So now we shall be discussing t-test, very important test as a concept. And so far as the propounder is concerned, in 1908 when विलियम, ये ध्यान से देख लीजिए, आपके नेट वगैरह में पूछ सकता है, सीली गोसेट, ही वाज एन इंग्लिश मैन, डेवलप टी टेस्ट एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन. इन्होंने टी टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को दिया 1908 में. इसने दिया विलियम सीली गोसेट में. एक टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट कंपेयर्स द मीन्स ऑफ द टू सिंबल्स, आल्सो नोन एज ए स्टूडेंट्स टी टेस्ट. इसको स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी कहते हैं, स्टूडेंट्स टी टेस्ट. उसके कई तरीके हैं टी टेस्ट के. तो एक तो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कंपेयर करता है सैंपल के टू मीन्स को, और यदि हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो कह सकते हैं ये टी वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द मीन डिफरेंस. जो पहला मीन डिफरेंस, दो मीन के बीच का डिफरेंस, और उसका जो हम लोगों ने इंडिपेंडेंट मीन के लिए स्टैंडर्ड, तो ये इंडिपेंडेंट है तब बाकी. लेकिन ये तीन जो टी टेस्ट निकालने का तरीका हम लोग यदि शुरू में पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ मीन में देखने के लिए, तो ये मीन डिफरेंस और फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का जो कंसेप्ट था, दोनों के बीच का जो रेशियो है उसी से हम लोग टी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. सो टी टेस्ट and t-value is very much related to and can be defined as the ratio between mean difference and standard error of mean. A t-test is an inferential and parametric statistics. ये तो t जो है वो inferential statistics है ही, थोड़ा superior माना जाता है, और दूसरा ये parametric भी है. इसके लगाने के लिए you have to follow certain condition. There are some conditions, normally t नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना जरूरी है, और फिर रैंडम सैंपलिंग टेक्निक वगैरह को अडॉप्ट करना है, एंड लाइक दैट स्केल के टर्म में भी, कि स्केल का जो लेवल हो वो नॉमिनल ऑर्डिनल नहीं हो, के इंटरवल लेवल का कम से कम हो. ये टेस्ट इज एन इन्फेरेंशियल पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक यूज टू डिटरमाइन वेदर देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स. और वही M1 माइनस, इसको ऐसे शॉर्ट में लिखें ये ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ये इज कॉमन. ये तो ये कंडीशन हो गया जो हमने इंडिपेंडेंट के लिए निकालना है. देर आर सम एजम्पशंस अगेंस्ट टी टेस्ट. द डाटा आर कंटिन्यूअस, मतलब हम तभी इसके लिए तैयार हों जब डाटा कंटिन्यूअस हो. डाटा हैव बीन सेलेक्टेड रैंडमली, तभी लगाएं. There is homogeneity of variance, मतलब the variability of the data in each group is similar, एक ही तरह से वेरी करना. बहुत ज़्यादा यदि difference है तो ये यदि हम imply भी करते हैं इसको तो it is not so suitable. The distribution is approximately normal, हमने कहा. Level of the data be at least of interval scale, preferably the size of both the groups be compared और बी नियर इक्वल, मतलब एक ग्रुप का साइज बहुत छोटा है, एक का बहुत ज़्यादा हो तो भी यूज़ नहीं करना चाहिए. तो इस तरह से टी टेस्ट के कुछ एजम्पशंस हैं, जिसमें है कि डाटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, रैंडमली सेलेक्ट करें उसको, वेरिएंस की जो होमोजेनिटी है वो, मतलब वेरिएंस होमोजेनिटी को फॉलो करे. इसका मतलब ये हुआ कि जो सब ग्रुप हैं उनका जो वेरिएशन हो सिमिलर तरह से हो, तीसरा कि नॉर्मल हो, चौथा
इंटरवल स्केल का, कम से कम स्केल का इस्तेमाल किया गया है डाटा कलेक्शन में। और चौथा ये नेक्स्ट मतलब छठा आप कर सकते हैं कि दो ग्रुप का, दोनों ग्रुप जिसके बीच को हम कंपेयर कर रहे हैं, साइज बराबर। फॉर टू सैंपल, ये के भी जाने की कब वेयर टू यूज, एक तो ये अजम्पशंस की बात हम लोगों ने की। फॉर टू सैंपल टी टेस्ट वी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इफ द सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट देन ए पेयर्ड टी टेस्ट मे बी अप्रोप्रिएट। हमने जो कंडीशन देखा वो रिलेटेड है। ए टी टेस्ट इज द फाइनल स्टेटिस्टिक्स मेजर फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स। मतलब टू मीन्स के लिए ये बहुत सुटेबल है और फाइनल है, लेकिन आगे सुन लीजिए। दैट मे और मे नॉट बी रिलेटेड, मतलब वो मीन, दो मीन के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए टी टेस्ट बहुत सुटेबल है। वो इंडिपेंडेंट हो या कोरिलेटेड हो, दोनों कंडीशन के लिए। लेकिन एज एंड व्हेन वी आर टू कंपेयर मोर देन टू ग्रुप्स, टी टेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड। मतलब दो ग्रुप को डायरेक्ट टेस्ट करना है, लेकिन कई तरह के ग्रुप को एक साथ रख के टी टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। वैसे कंडीशन में हम लोग एफ टेस्ट या पोस्ट हॉक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आप एफ टेस्ट भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कि एफ टेस्ट की मदद से हम एक साथ निकाल सकते हैं कि इसमें से बहुत ग्रुप है, इन सारे में से किसी दो मीन के बीच का में कोई डिफरेंस है या नहीं है। यदि ऐसा रिजल्ट आ गया कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस थ्रू आउट डिफरेंट पेयर्स ऑफ मीन, तब इसकी जरूरत नहीं है टी टेस्ट निकालने की। और जब डिफरेंस आ गया तब टी टेस्ट निकाल के हम लोग देखें। तो यही एक बात है। सो इन द कंसेप्ट The amount of variability among sample means can be described by the standard error distribution of sample means. पहले ही हो गया ये वाला। The standard error provides a measure of how well a sample means approximate the population mean. ठीक है, ये तो उससे related है। As it is difficult to know the standard deviation of population, we use standard deviation at its place. ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। हमको जो बात करनी है कि द टी स्टैटिस्टिक्स इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ जेड स्कोर, एक्सेप्ट दैट इट यूजेस द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर, बिकॉज द वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट नोन। तो ये एक टी टेस्ट की एक खासियत है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन की जगह पर हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से ये कि इसको लोगों ने दिया और ये बहुत ही यूजफुल स्टैटिस्टिक्स है, खास के दो मीन का के बीच का जब उनको डिफरेंस देखना हो। तीसरा कि ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब है। ये इसका ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी है, इसलिए पावरफुल स्टैटिस्टिक्स है। इसके आधार पे हम जनरलाइजबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। और फिर कुछ एजम्पशंस जिसमें नॉर्मलिटी है, रैंडम सैंपल का कंसेप्ट है, डाटा के कंटिन्यूस होने का है, होमोजीनिटी ऑफ वेरियंस की बात है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। ये एजम्पशन है इसके लगाने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी हो करना हमको करना चाहिए और हम करते हैं जब दो मीन के बीच में हमको डिफरेंस देखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ लेक्चर रिगार्डिंग टी टेस्ट एज ए कंसेप्ट। नाउ बाई टेकिंग थ्री मॉडल प्रॉब्लम्स एंड कीपिंग इन व्यू ऑल द थ्री वेज ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, वी शैल बी फाइंडिंग, वी शैल बी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टी वैल्यू। सो थैंक यू।